हे गाइस, उसमें मिस अगन्या गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। जैसे आप सब जानते हो कि कोविड-19 चल रहा है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल्स बंद है और उसकी वजह से हमारे ऑनलाइन स्कूल क्लासेस चल रही हैं। फिर एग्जाम भी तो ऑनलाइन देना पड़ेगा, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे रुको, तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल मिस अगन्या कुमार को सब्सक्राइब करो। यहाँ है बटन। हैक नंबर 1, टर्न ऑफ। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन इंटरनेट बन चुका है। अगर हम इंटरनेट को अच्छे तरीके से यूज़ करें, जैसे इंग्लिश स्टोरी देखना, इंग्लिश पोएम देखना, इंग्लिश गाने को सुनना, तो ये अच्छी बात है। पर अगर आप इंटरनेट को बुरे तरीके से यूज़ करोगे, जैसे गेम खेलना, फालतू की वीडियोस देखना, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके 2 घंटे कब के बीत चुके हैं। ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो अगर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम कर रहे हो, क्या ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हूँ, तो वाईफाई और अपना मोबाइल डाटा को टर्न ऑफ कर दीजिए। इससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब हम स्टडी कर रहे होंगे और बार बार नोटिफिकेशन आएगा तो आपका माइंड बुरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप टर्न ऑफ कर दें। आप पोमोडोरो टेक्निक से स्टडी करते हैं, तभी आप वाईफाई एंड मोबाइल डाटा को ऑफ कर दें। जैसे आप 5 बजे पढ़ने बैठे, फिर आप कंटिन्यूसली पढ़ो और विदाउट डिस्टर्बेंस, क्योंकि आपका डाटा और मोबाइल डाटा जो है ऑफ रहना चाहिए। और आप 5:45 को आप थोड़ा रिलैक्स होने के लिए 15 मिनट जो आपके पास बचेगा, आप उसमें जो नोटिफिकेशन आता है और आप देखते हो पता नहीं क्या हुआ, तो आप थोड़ा पढ़ाई करके उस वीडियो को देख सकते हो। कि अगर आपके पास कोई वीडियो नहीं है तो आप म्यूज़िक भी सुन सकते हो। और जैसे ही आपका 15 मिनट्स ओवर हो जाएगा, वैसे ही आप मोबाइल डाटा के वाईफाई को ऑफ कर दें और फिर कंटिन्यूसली पढ़ लें। इससे आप मोबाइल की ज़्यादा यूजेज से भी बच सकते हैं और आपका स्टडी भी हैम्पर नहीं होगा। सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड हैक। सेकेंड हैक, रिड्यूस एंजाइटी। जब मैम डेटशीट अनाउंस करती है, तभी से टेंशन स्टार्ट हो जाता है और आपके ब्रेन में एक तरह का प्रेशर आ जाता है। एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का बोझ मन में बना रहता है। पर एक रिसर्च में पाया गया है कि अगर हम अपने टेंशन को कोई नोटपैड या नोटबुक में लिखें, तब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्जाम में। ज्यादातर तो स्टूडेंट ये बात को टेंशन लेते हैं कि जो याद किया वो नहीं आया, क्या अगर आया तो भूल गया। तो एक पेन और पेपर लो, एग्जाम के 3 घंटे पहले लिखो मैं क्या क्या भूल जाऊंगी और क्या भूल रही हूँ, ये वो टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं पता है। आप वो सारी बातें लिख दो जिससे आपको टेंशन होता है। अपने प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँचो। अगर आप ये एग्जाम से पहले करोगे, तब आप प्रेशर में एग्जाम नहीं लिखोगे और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड हैक। थर्ड हैक, पेस्टल शीट। इस शीट में आप इम्पोर्टेंट चीजें क्या पॉइंट्स, क्या इम्पोर्टेंट डेट, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये सब आप एक शीट में लिखो और रिवीजन के समय पर इसमें से रिवाइज करके जरूर रखो। पता है क्यों? जब हम इससे रिवाइज करेंगे एग्जाम से पहले, तो हम अपना एक्टिव रिकॉल मेथड से रिवीजन कर रहे होते हैं। एक्टिव रिकॉल मेथड, आप सोचोगे ये कौन सा गैजेट है। मैं आपको आसान भाषा में बता दूं, ये कोई गैजेट नहीं है, टेक्निक है। इससे आप शीट में देखकर रिवाइज कर रहे होंगे, अपने माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक क्या था और बाकी टॉपिक क्या थे। आप अपने माइंड को फ्लैशबैक में ले जाओगे, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसे मुझे याद कर लेना चाहिए। इससे आप अपने माइंड को एक्टिव कर रहे होंगे। जब आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, तब आप चीजों को याद करने लग जाओगे, वो भी बहुत आसानी से। लेट्स मूव टू आवर फोर्थ हैक। Create a quiz. फ्रेंड्स, हमारे बुक में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका चैप्टर याद करना बहुत बोरिंग सा होता है, तो ये हैक उसके लिए है। तो जो टॉपिक आपको बहुत बोरिंग लगता है उसे आप मन दबा कर पढ़ लें, क्योंकि इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उस टॉपिक से क्विज बनानी है, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहे हैं वो टॉपिक को लेकर, तो बस लिख दो। तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी टॉपिक को समझने की पावर अच्छी हो जाएगी, आपको वो टॉपिक इंटरेस्टिंग लगने लगता है और अब आप वो टॉपिक जिससे बोर हो रहे थे उसे एंजॉय के साथ करोगे। सो लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ पॉइंट। Visualize your study place। स्पेशली होता क्या है कि जब हम पेपर लिख रहे होते हैं तो हम लोग ज्यादातर करके भूलने लग जाते हैं। रीजन ये होता है कि हाई प्रेशर होता है अच्छे मार्क्स लाने का, ऐसे में हम कई चीजों को भूल जाते हैं। आप एग्जाम के समय में कोई चीज भूल जाओ तो आप उसको माइंड में फिर से कैसे लाओ? इसके लिए आप ये हैक जरूर यूज करना। वो हैक ये है कि आप ये याद करने की कोशिश करो कि इस टॉपिक को हमने कहाँ पढ़ा था, क्या याद किया था। एग्जाम्पल के लिए कि आप ड्राइंग रूम में पढ़ लिए, अपने मम्मी पापा के स्टडी टेबल में पढ़ लिए, अपने स्टडी टेबल में पढ़ लिए, अपने बेड में लेट कर पढ़ लिए, कि अपनी मम्मी पापा के रूम में लेट कर पढ़ लिए। कब पढ़ा था उस टॉपिक को याद करने की कोशिश करो। और आप ऐसा करते हो तो आपका माइंड एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है इस टॉपिक और स्टडी प्लेस के बीच, और आपको थोड़ा हिंट मिलने लगता है। अच्छा, मैंने तो डाइनिंग टेबल में पढ़ा था जिसमें मम्मी आम लाई थी, उसमें तो 2 आम मैंने ही खाए थे। तो ऐसा आपको हेल्प मिल जाएगी पॉइंट टू पॉइंट उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए, जो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। सो लेट्स मूव टू आवर 6th पॉइंट। हैक 6, पुट द कॉन्फिडेंस स्कोर ऑन द MCQs। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके ऊपर कॉन्फिडेंस को लिखना मत भूलना। आप सोचोगे कि ये कॉन्फिडेंस स्कोर क्या है। एक समय में हमें आंसर नहीं पता रहता है। जब हमारे एग्जाम में हमें क्वेश्चन पेपर मिलता है तब उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं 3-4 जिसके हमें आंसर ही नहीं पते होते हैं, पर हम जल्दबाजी में जो दिमाग में आ रहा था उससे लिख देते हैं और लास्ट में हमारे पास समय होता है उसे सोचने के लिए तो हम नहीं जानते हैं कि कौन से क्वेश्चन के बारे में सोचें और किसको जल्दी में किया था और किसको हमने आराम से लिखा था। अरे हाँ, हमें तो इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से पता है। तो इस समय में कॉन्फिडेंस स्कोर से बहुत हेल्प मिलता है। जैसे आप कोई भी आंसर ऐसे कैसे करके लिख रहे हो, जैसे कोई क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता तो ऐसे ही लिख दिया, क्या अच्छे से आपको उसका आंसर नहीं पता तो ऐसे ही लिख दिया, तो उस क्वेश्चन में 1 मार्क्स लगाओ। और जिस क्वेश्चन का आपको सबसे अच्छा आंसर पता हो और जिसमें आपने लिख दिया उस क्वेश्चन को 5 मार्क्स दो। 1 पॉइंट का मतलब बिल्कुल उसके बारे में नहीं पता, 5 पॉइंट का मतलब कि आप फुल कॉन्फिडेंस में, अरे हाँ मुझे तो इसका आंसर अच्छे से आता है। तो जितने भी क्वेश्चन थे जिसमें आपने 1 मार्क्स लिखा है, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल 1 है, उस क्वेश्चन के आंसर आपको ठीक से नहीं पता, यानी कि आप तुक्के में उसका आंसर लिख रहे हो। पेपर के अंत में आप फिर से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो और उसे डीपली सोचने की कोशिश करो, फिर सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करो। देखना कुछ न कुछ तो आपको याद होगा और एग्जाम अच्छा जाएगा। तो लेट्स मूव टू आवर लास्ट पॉइंट means our 7th point। Hack 7, planning and robot mode। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा मोड है। तो जब भी हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो ये दोनों मोड बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्लानिंग मोड क्या है? ये एक ऐसा मोड है जब आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप प्लान आउट करें कि पूरे दिन में आपको कितनी पढ़ाई कर रही है, कौन सा सब्जेक्ट कब कब पढ़ना है, कितने घंटे में क्या टॉपिक पढ़ना है। इस चीज के लिए आप अप्लाई करेंगे प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग पूरी अच्छे से कर ली और टाइम टेबल आ जाएगा तब आपको खुद रोबोट की तरह काम कर देना शुरू करना होगा, तब आप सिर्फ फोकस करोगे उस टारगेट को पूरा करने के लिए। अगर हम ये चीज को रिवर्स कर दे तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग मोड होना चाहिए, फिर रोबोट मोड होना चाहिए। तो अब ये मेरा स्टडी हैक खत्म होता है। क्या 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 एक और स्टडी हैक चाहिए? चलो ठीक है, चलते चलते एक और स्टडी हैक बता देती हूँ। इसके लिए आपको इस वीडियो में 500 लाइक करना होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ तो इतने लाइक तो दे सकते हो। तो चलते हैं एक्स्ट्रा हैक की तरफ, मतलब हमारा 8th पॉइंट। Track it. Always keep a buffer. हम सोचते तो हैं कि हमारे एग्जाम के एक दिन पहले तक सारे सिलेबस खत्म कर देंगे, पर एक दिन पहले कुछ न कुछ ऐसा जरूर आ जाता है जो हमने नहीं सोचा होता है, यानी कि हमें लास्ट डे में ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए करना क्या है, तो इसके लिए आपको फेक डेडलाइन बनाना है खुद के लिए। एग्जाम्पल के लिए डेट 30 को आपको रिविजन करनी है। आप अपने पूरे सिलेबस को 25 में ही खत्म कर दो और ये 5 बफर डे है। ऐसा कोई सिचुएशन के सीन आ जाता है तो आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हो और आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। तो आई होप अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और याद है ना कितना टारगेट है, 500। तो जल्दी से करो मेरा 500 लाइक्स। तो मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।